साईं राम, कैसे हैं आप सब लोग? साईं बाबा जी विभूति आशीर्वाद के साथ आप सबको ब्लेस करते हुए आप सबकी जिंदगियों में साईं बाबा जी विभूति आशीर्वाद के साथ आज मैं एक बहुत ही अपना एक अनुभव आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज टाइम में, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन, जब मैं फिजियोथेरेपी कर रही थी तो मेरे पास एक, मैं अपने फ्रेंड को विज़िट करने गई हुई थी। जब मैं उन्हें विज़िट करने गई उनके क्लिनिक पे, तो उस टाइम पे मेरे पास पे काइनेटिक होंडा होता था, जैसे पुराना स्कूटर होता है ना, काइनेटिक होंडा ZX, वो होता था मेरे पास। और मैंने साथ में एक पर्स कैरी किया हुआ था, उसमें मेरे स्पेक्स और मेरा एक सैमसंग का फ़ोन जो मैंने सबसे पहले अपनी कमाई से ख़रीदा था, उस टाइम पे शायद उसकी कॉस्ट थी 18,000। तो जैसे ही मैंने अपना काइनेटिक होंडा लॉक किया तो मैं उनके क्लिनिक पे उनको विज़िट करने गई, मिल ली, अच्छे से मिल ली। तो मेरी जो फ्रेंड है शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे ड्रॉप कर देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने अपना क्लिनिक लॉक किया, वो मेरे साथ काइनेटिक होंडा पे पीछे बैठ गई, मैंने अपना पर्स काइनेटिक होंडा के आगे रख लिया। तो हम लोग रास्ते पे बातें करते हुए जा रहे थे, काफ़ी अच्छी बातें थी। तो मुझे नहीं पता लगा कि जब मैं उनके घर पे गई हूँ तो मैंने उनको बोला कि मेरा पर्स कहाँ पे है, तो वो मुझे बोल रही थी कि शायद आप अपने क्लिनिक पे ही भूल गए। तो मैंने उनको बोला कि कोई इतना मुझे अर्जेंट कॉल नहीं आएगा, तो मैं कल उठा लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी आगे जाने की। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये गलती मत करो आप, कोई बात नहीं, हम क्लिनिक दोबारा चले जाते हैं। मैंने उन्हें बड़ा इंसिस्ट किया कि नहीं, हम मैं कल ले लूँगी, मुझे कोई ज़रूरी काम से बाहर जाना है। वो कहते हैं चल कोई बात नहीं, हमने जाना ही जाना है, मैं एक बारी तेरे फ़ोन पे रिंग करके देख लूँ। तो जैसे ही रिंग पे मेरा फ़ोन करे थे, रिंगिंग पे जा रहा था, तो पता नहीं मेरी फ्रेंड के मन में क्या हुआ, उसने मुझे बोला कि हमने तेरा बैग वापस क्लिनिक से लेने जाना ही जाना है। तो हम लोग उनके क्लिनिक पे वापस गए, हमने सारा क्लिनिक देख लिया, हमें बैग कहीं पे नहीं मिला। मैं तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई क्योंकि पहली बार अपनी कमाई का फ़ोन लिया हुआ था, और अगर घर वाले भी फ़ोन कर रहे होंगे वो तो बहुत परेशान होंगे कि कहाँ पे चली गई है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये था कि जैसे मेरी वो फ्रेंड मेरे फ़ोन पे कॉल कर रहे थे बार बार, तो रिंग जा रही थी, हमने कम से कम 15-20 फ़ोन किए होंगे। तो हम लोग रास्ते में घूम रहे हैं और मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा आंसू हैं, बहुत ज़्यादा आंसू। उस टाइम पे मैं बाबा को प्रेयर कर रही हूँ कि मैंने इतनी प्यारी कमाई से ये फ़ोन ख़रीदा है, आप मुझे नहीं पता, कहीं से भी मेरा फ़ोन मुझे वापस दिलाओ। क्योंकि मैं पहले ट्यूशन्स वगैरह भी करती थी, होम ट्यूशन्स करती थी, तो वो पैसे जोड़ के मैंने फ़ोन लिया था। तो मैं फ़ोन पे रो रही थी। तो जो मेरी फ्रेंड मेरे पीछे मेरे साथ स्कूटर पे थी, वो कॉन्टीन्यूसली रेकी हीलिंग भेज रहे थे, मतलब रेकी वो कर रहे थे, और मैं सिर्फ साईं बाबा मन में, साईं बाबा साईं बाबा, फ़ोन की रिंग जाई जा रही थी। एटलीस्ट मुझे लगता है जब 25th कॉल गई है तो हमारे फ़ोन को किसी ने मेरे नंबर पर उठा लिया। मेरी फ्रेंड ने बोला कि देखिए ये जो फ़ोन है, ये हमारा फ़ोन है, हमारा रास्ते में गिर गया। तो उस बड़े ही नेक इंसान ने हमें बोला कि आपका पर्स, फ़ोन ही नहीं, आपका पर्स ना रास्ते पे सड़क पे गिर गया था। उन्होंने हमें जिस लोकेशन सड़क की बताई, तो मैं उस लोकेशन से वहाँ से निकली थी। तो वो कहता कि आपका ये जो पर्स था अलॉन्ग विद द फ़ोन, कोई रिक्शा वाला उठा रहा था, मैं पीछे से आ रहा था, तो मेरे को लगा ये किसी का फ़ोन है। मैंने उससे आपका पर्स भी ले लिया और मैंने उसको बोला तू आगे जा, ये हमारे किसी रिश्तेदार का गिर गया। और वो भले इंसान ने फिर मुझे अपने घर का रेजिडेंस बताया, और फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई और मेरे को मेरा फ़ोन और मेरा पर्स, मेरी स्पेक्स, सब कुछ मुझे वैसे ही वापस मिल गया। तो देखिए, और जिस सड़क पे मेरा फ़ोन गिरा था वहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही थी, लेकिन बाबा मेरे साथ रहे हैं उस टाइम पे, और आप देखिए मेरे फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ। और मेरी फ्रेंड इतनी ज़्यादा खुश हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि आपके ऊपर वाकई बाबा की ग्रेस है, नहीं तो जो फ़ोन और पर्स एक बार गिर गया, आज के टाइम में जो इन्फॉर्मेशन हम इतनी सुनते हैं न्यूज़पेपर से, किसी के एक्सपीरियंस से, कि अगर तो आपका फ़ोन गिर गया तो आप गए,
और उस इंसान ने हमें इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा ब्लेस किया ना उसने, और हमने उसे खुद बोला कि ऐसे इंसिडेंट के लिए तो हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। तो मैंने उनको मेरी थोड़ा सा मैंने उनको टोकन मनी, मैंने उनको 100 रुपीज़, मेरे मन में था, ये बहुत पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात होगी, तो मैंने कहा भैया आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा फ़ोन दिया है। तो उन्होंने, वो खुद ही, सबसे बड़ी लीला ये है, वो खुद साईं भगत निकले। वो कहते हैं मैं साईं बाबा का ही बेटा हूँ और मैं अपनी बहन से ये पैसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तो देखिए बाबा की किस तरह की लीला, जब ये मेरे साथ हुई हैं तो अपने आप ही जो भरोसा है तो वो अपने आप ही बढ़ेगा ना मेरा साईं बाबा जी के साथ। तो ये ऐसी स्टोरी है, जब लोग बोलते हैं ना आसपास के, जी हमारा तो फ़ोन गुम गया, आजकल तो चोरियां बहुत होती हैं, वहाँ पे मैं अपने इस अनुभव के बारे में बताती हूँ। और आज तक आप देखिए मेरी कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ अगर कोई भी घूमती है, वो बाबा की लीला से मुझे मिल ही जाती है। तो ये मेरी कॉलेज टाइम की लीला है जो साईं बाबा ने दी मेरे को, और उस लीला से कैसा मेरा बाबा की तरफ, और हम लोग, मैं सारी रात उस दिन मैं सो नहीं पाई, और आज भी जब उस साईं भैया के बारे में याद करती हूँ तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वाकई आज के टाइम में इतने अच्छे लोग भी बैठे हैं। आप देखिए पर्स, स्पेक्स और मेरा फ़ोन सब कुछ सही सलामत बाबा ने रखा, और वो जो मेरे भैया मेरे को मिले वो भी एक साईं भगत। किस तरह से मैं उस टाइम रोते हुए बाबा को पुकार रही थी कि मेरी बड़ी ही कमाई जो मैंने की है ये बहुत ही ज़्यादा, आपको पता है कि जा जा के घर पे जाके ट्यूशन्स पढ़ानी और इतना स्ट्रगल के बाद मेरी सहायता कीजिए, और मैं लिटरली बहुत रो रही थी। फिर उसके बाद बाबा ने जो ये लीला की, फिर मैंने अपनी फ्रेंड का भी थैंक यू किया जिसने कॉन्टिन्यूसली वो रेकी रेकी इज़ जस्ट लाइक पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे थे कि इसको अपना, इसकी जो है, इसको इसका पर्स वगैरह मिल जाए, और किस तरह से बाबा ने ये मेरी लाइफ में लीला दी है। कहते हैं कि ज़िंदगी में चीज़ें कभी खोती नहीं है, खोती नहीं है, वो आपकी आंखों से कुछ पल के लिए दूर हो जाती हैं, और वो जो कुछ पल दूर हो जाती हैं उस टाइम पे अपने भगवान को आप ज़रूर याद करें, और जब भी आप फ्री होते हैं, एट पीस होते हैं, जब आप इन अनुभव को याद करके बाबा को एडिशनल ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो आपका संबंध में, बाबा और आपके संबंध में एक तरह का पीस आ जाता है। तो इसी तरह से फिर कॉलेज लाइफ में जब ऐसे छोटे छोटे अनुभव होते रहे तो मैं बाबा के साथ और भी जुड़ती रही। और एक बात का मैं ज़रूर बोलूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके साथ आपके अकॉर्डिंग आपके अनुभव हो रहे हैं तभी आप बाबा के साथ हैं। अब कुछ ऐसे अनुभव भी हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मुझे अभी बाबा ने आंसर दिए हैं या मुझे नहीं समझ में आ रहे, तो वहाँ पे तकलीफ़ कई बारी होती है जब अनुभव आपके अकॉर्डिंग नहीं होता, तो फिर मैं एक ही बात अपने आप को बोलती हूँ, बाबा ने ना कर दी है बस। अगर बाबा ने ना कर दिए तो ना कर दिए बस। फिर वो बात आपको बार बार याद भी आती है, पर आपने उस टाइम पे भी साईं बाबा को यही बोलना है, जो आपकी मर्ज़ी वो ही मेरी मर्ज़ी, बाबा को ही पकड़ के रखें। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे हमें साईं डिवोटी से पता लगा है कि अगर आपने किसी चीज़ की मांग रखनी है तो सिर्फ साईं बाबा जी के नाम की मांग रखें। छोटी छोटी लीलाज आपकी लाइफ में होंगी, अब जैसे ही आपकी एज होगी, एक्सपीरियंस होंगे, आप साईं बाबा की मांग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा रखें तो बाबा आपके आसपास की, आपकी सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्शन करेंगे। तो साईं बाबा विभूति आशीर्वाद प्रसाद आप सबके साथ बांटते हुए मैं आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ। साईं राम।